तो गाइजर आप सबका स्वागत है आज की खतरनाक सी क्लास में। तो गाइजर सभी के सभी बच्चे आ चुके हैं आज की क्लास में, और आज की क्लास बहुत ही ज्यादा अलग और खतरनाक होने वाली है, क्योंकि गाइजर आज हमारे पास लकी बॉक्स नहीं है। एनीवे की भी फिर तो क्लास करने का मतलब ही नहीं है, चलो आज तो छुट्टी। नहीं नहीं शिजन, आज छुट्टी नहीं है, आज कुछ अलग होने वाला है। तो गाइजर सभी बच्चे तो यहाँ पर आ चुके हैं, और लकी बॉक्स की जगह मैं लाया हूँ लकी नंबर्स। तो गाइजर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे लकी नंबर्स लिखे हुए, जैसे की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक। तो गाइजर मैं बता दूं कि आज हम करने क्या वाले हैं। पहले हम पूछने वाले हैं सभी से बहुत सारे क्वेश्चंस, और जो भी सबसे पहला और सबसे सही आंसर देगा उसको मौका मिलने वाला है ये व्हील घुमाने का। और ये व्हील घुमाने के बाद जो भी इसमें से नंबर आएगा वो होगा लकी नंबर, और उस नंबर के बेसिस पर उनमें से इनको मिलने वाला ये खतरनाक से सूट। जैसे कि नंबर 1 पे ये खतरनाक सा सायरन हेड कैमरामैन, नंबर 2 पे है टीवी मैन, नंबर 3 पे स्पीकर मैन, नंबर 4 पे खतरनाक सा टीवी मैन, और नंबर 9 पर आप देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा वाला टीवी मैन है, और सबसे खतरनाक है नंबर 10 जिसको मिलने वाला ये टीवी। तो इन सभी को एक खतरनाक सा व्हील घुमाना पड़ेगा, सारे आंसर्स का जवाब सही देना पड़ेगा, और फिर देखते हैं किन को मिलेगा कौन सा नंबर। किसी को मिल सकता है ये बड़ा सा स्पीकर मैन, किसी को मिल सकता है ये बड़ा सा टीवी मैन, या फिर मिल सकता है ये छोटा सा सायरन हेड का स्पीकर मैन। वो तो सबके लक के ऊपर होने वाला, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला। तो भी अपन देख लेते हैं कि अपने सारे बच्चे तो आ चुके ना। शिनचैन हमारा प्रेजेंट है, आयरन मैन प्रेजेंट है, लिटिल इंस्पेक्टर चिंगम भी हमारे प्रेजेंट है, और ये क्या हाल कितने सारे बच्चे। भी पलाई तलने ताते इतने मैं। हाँ सर हम पलाई तलेंदे। हाँ सर हम पलाई तलेंदे। अच्छा ठीक है एक ही बेंच में इतने सारे हल्के बेबी आ चुके हैं, और यहाँ पे हमारे चाचा टीवी मैन जो कि होना चाहते अपग्रेड, देखते क्या ये आज अपग्रेड हो पाएंगे। और हमारे स्पाइडरमैन भी आ चुके हैं, सभी बच्चे आ चुके हैं। आप भी फटाफट से अपनी अटेंडेंस लिख दो, कमेंट में जाके अपना अपना नाम कमेंट कर दो, और प्रेजेंट भी लिख देना। तो फटाफट से अपनी क्लास को शुरू कर दो। आज का सबसे पहला क्वेश्चन याद रखना, जो भी इसका सही आंसर देगा उसको मौका मिलने वाला लकी व्हील घुमाने का। मुझे बताओ आईफिल टावर कहाँ पर है। मैं बताऊंगा। अरे रुको, आराम से। फ्रैंकी भैया मैं बताऊंगा। फ्रैंकी भैया आपको मम्मी की कसम, मुझे बताने दो। अच्छा ठीक है स्पाइडरमैन तुम बताओ आईफिल टावर कहाँ पर लोकेटेड है। सर आईफिल टावर लोकेटेड है फ्रांस में। बिल्कुल सही जवाब। तो गाइजर आज का सबसे पहला क्वेश्चन का सबसे पहला सही आंसर दे दिया हमारे स्पाइडरमैन ने, और हम घुमाने वाले एक खतरनाक सा लकी व्हील। स्पाइडरमैन तो क्या तुम तैयार हो। अरे सर मैं तो बिल्कुल तैयार हूं, जल्दी से चला दो। ओके 3, 2, 1 गो। और गाइजर यहां पे व्हील चल चुका है, देखते ये कहां तक जाने वाला है, कितना स्कोर इसको मिलेगा, कौन सा पॉइंट मिलेगा। और नंबर 9, तो आओ देखते हैं नंबर 9 कौन सा है। यहाँ पे सामने है नंबर 7 और ये 8, और ये रहा नंबर 9, और ये क्या सबसे खतरनाक वाला टीवी मैन मिल चुका है स्पाइडरमैन को। ये तो सबसे खतरनाक था, और ये तो पहले में ही मिल गया। अरे क्या मेरी किस्मत इतनी अच्छी है क्या। अरे मुझे तो खतरनाक सा टीवी मैन मिल गया। अरे वाह वाह मजे आ गए। अरे देखो देखो मेरी शक्ति कितनी खतरनाक है, मैं तो खतरनाक सा टीवी मैन बन गया, मेरे पास तो बहुत ही खतरनाक शक्ति आ गई। ये ले अभी दिखाता हूँ, ये ले मेरे पास तो बहुत ही अच्छी शक्ति आ चुकी है। तो गाइस स्पाइडरमैन के पास तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक शक्ति आ चुकी है, क्योंकि ये सबसे खतरनाक सूट था, और स्पाइडरमैन को सीधा नंबर 9 आ गया, और उसको ये खतरनाक सा सूट भी मिल गया। चलो फटाफट जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे बताओ फुल फॉर्म ऑफ रैम क्या होता है, RAM की फुल फॉर्म बताओ। माय नेम इज इंस्पेक्टर चिंगम, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। मुझे बताएं रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बिल्कुल सही जवाब। तो गाइस इंस्पेक्टर चिंगम ने दे दिया बिल्कुल सही जवाब, और अभी हम व्हील घुमाने वाले हैं हमारे खतरनाक से इंस्पेक्टर चिंगम के लिए, और ये व्हील घूम चुका है, देखते हैं इनको क्या मिलने वाला है। और ये नंबर 3, माय नेम इज इंस्पेक्टर चिंगम, चिंगम को पसंद है नंबर 3। ओए ये तो नंबर 4 है, ये 2 है, और ये रहा नंबर 3। माय नेम इज चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम बनेगा स्पीकर मैन। अरे देखो देखो मुझे कितनी खतरनाक पावर्स मिल गई, मैं तो स्पीकर मैन बन गया, मैं बहुत ही तेज भाग पा रहा हूं। गाड़ी वाले ये ले, इसको मारने में तो बहुत ही मजा आ रहा है, भागो। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हमारा इंस्पेक्टर चिंगम कितने ज्यादा खतरनाक बन चुके हैं, ये तो
पानी के ऊपर भी भाग पा रहे, इनकी शक्तियाँ तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। अगर किसी को भी खतरनाक सूट और पावर चाहिए तो उसको जल्दी से जल्दी आंसर देना पड़ेगा। तो बन चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दो बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड कौन सा है। काइजर पहले आप बताओ फिर इनमें से कोई बताएगा। फटाफट से कमेंट करो बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड कौन सा है। एनी विकी में मुझे पता है। शिनचैन बताओ। एनी विकी में एक्शन कामिन। एक्शन कामिन? अरे वो कोई बर्ड तो ना है। अरे ये क्या बोल रहा है। अरे थल 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 हमें बताए। मुझे भी पता है थल थल थल। अरे हम ते पोतो थल। तू काइजर लगता है हल्के बेबीज को पता है, तो फटाफट से आंसर दो। तुम सबको साथ में आंसर देना पड़ेगा। ओथलीट 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 ओस्ट्रिच ऑस्ट्रिच। बिल्कुल सही जवाब। तो गाइस हमारे बेबी हल्क ने दे दिया बिल्कुल सही जवाब ऑस्ट्रिच। पर एक सेकंड, तुम तो पांच जने हो तो व्हील कितनी बार घूमेगा? एनीवेकी में एक ही बार तो घूमेगा। बात तो सही है, ये लोग यार एक ही बेंच बैठे तो एक ही बार व्हील घूमेगा। तो गाइस इन्होंने दे दिया बिल्कुल सही जवाब और हम घुमाने वाले हमारा खतरनाक सा व्हील। 3 2 1 गो। तो गाइजर देखते हैं क्या हम मिलने वाला है। और ये नंबर 10। आ जाओ बेबी हल, तुमको मिला है नंबर 10। देखते हैं नंबर 10 पर क्या है। तो गाइजर इनकी तो किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। पहले से ये पांच पांच जने थे और इनको नंबर 10 पे मिला है ये टीवी। अब ये पांचों जनों को टीवी साथ साथ देखना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑफ लक टीवी देखने के लिए इनको तो बहुत ही ज्यादा गंदी चीज मिली है। पर कोई बात नहीं, अब हम जाने वाले अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगले क्वेश्चन में किसको क्या मिलने वाला है। तो गाइजर अभी आपने देखा कि सारे बेबीज हल को मिली है खतरनाक सी टीवी। अब यार बहुत ही ऑप्शंस कम बचे और हमारे पास यार हमारे स्टूडेंट्स भी कम बचे। आयरन मैन, शिनचैन और वो टीवी वाले चाचा। और चाचा आ गया हो तो अभी तुम तीनों से मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। जो भी सबसे सही और सबसे पहले आंसर देगा उसको मौका मिलने वाला है स्पिन द व्हील का। फटाफट से पूछता हूं। तो अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अरे बेटा मुझे बताया इसका आंसर, मुझे मेरी क्लास में बताया था, इसका आंसर है पैसिफिक ओशन। चाचा बिल्कुल सही जवाब। तो गाइस हमारे चाचा ने दे दिया बिल्कुल सही जवाब। और ये घुमाने वाले इस खतरनाक से व्हील को, देखते इन्हें क्या मिलने वाला। 1 2 3 गो। तो गाइस हमारे चाचा को मिलता है नंबर 7। अरे मारो दिख रो नंबर 7 कहाँ पर है? नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। वाह ये तो एक स्पीकर मैन है, मैं टीवी मैन से स्पीकर मैन बन जाऊंगा। चलो अरे बच्चे देखो मुझे उड़ने की शक्तियाँ मिल गई, मैं तो एक स्पीकर मैन बन गया। अब मैं तुम्हारी चाची को लेके जाऊंगा घूमने। वाह 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 कितना मजा आ रहा है। पानी के अंदर जाओ वापिस बाहर जाओ, अंदर जाओ बाहर आओ, अंदर जाओ बाहर आओ, ये तो बहुत खतरनाक। तो गाइजर अभी दोनों आखिरी खिलाड़ी और आखिरी स्टूडेंट बचे। तुम दोनों पढ़ाई नहीं करते क्या? अरे सर मैं भूल गया था आज एग्जाम में, सॉरी सर। सॉरी से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। तो गाइजर अभी मैं पूछने वाला हूँ एक और क्वेश्चन, फिर जो भी इसका आंसर देगा उसको मौका मिलेगा व्हील घुमाने का, और जो आखिरी बचेगा उसको मौका नहीं मिलने वाला है आज व्हील घुमाने का, उसको सीधा घर भेज देंगे। तो तुम दोनों में से कोई एक ही व्हील घुमाने वाला है। कौन से फेमस साइंटिस्ट ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था? अरे मुझे बताएं, मुझे बताएं, मुझे बताएं, मुझे बताएं। अरे इन दोनों को आंसर आता है। एक काम करो शिनचैन तुम बताओ। अरे वेकी में आइजैक न्यूटन। बिल्कुल सही जवाब। तो गाइजर अभी शिनचैन ने दे दिया बिल्कुल सही जवाब। तो गाइजर अभी बारी आ चुकी है शिनचैन के स्पिन द व्हील की, देखते हैं इसे क्या मिलने वाला। 1 2 3 गो। नंबर 1। और गाइजर शिनचैन को मिल चुका है नंबर 1। अरे चलो चलो देखते नंबर 1 कौन है। अरे नंबर 1 तो ये कैमरामैन है, साइरन हेड वाला कैमरामैन। आ जाओ मुझे बना दो। अरे ये देखो मुझे कितनी खतरनाक शक्तियाँ मिल गई। और गाइजर अभी हम देख सकते शिनचैन को कितनी खतरनाक शक्तियाँ मिल पा गई है। अरे सर मैं तो रह गया, अब मैं क्या करूंगा? आयरन मैन मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, और अगर तुमने इसका सही आंसर दिया तो तुमको मौका मिलेगा स्पिन द व्हील करने का। तो मुझे फटाफट से बता दो टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड कौन सा है? सर ये तो बहुत इजी है, माउंट एवरेज। बिल्कुल सही जवाब। तो काइजर भी आयरन मैन ने भी दे दिया बिल्कुल सही जवाब। और ये करने वाले स्पिन द व्हील। 3 2 1 गो। और काइजर आयरन मैन को मिलता है नंबर 6। अरे मेरा नंबर
नंबर सिक्स आ रहा हूँ मैं, नंबर फाइव, नंबर सिक्स। ये क्या, ये तो सीसीटीवी मैन है, सायरन हेड वाला। और कैसर अभी आप देख सकते हो आयरन मैन की पावर आ चुकी है विंड मिल उठाने की। आयरन मैन ने पूरा विंड मिल उठा लिया और पूरा दीवार में लगा दिया। अरे सर मेरे पास तो बहुत ही खतरनाक पावर आ गई है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ये देखो। अरे कैसर सही में आयरन मैन के पास तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर आ चुकी है, पूरे विंड मिल को इधर उधर उठा के फेंक रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुका है। तो गाइस अभी मेरे सारे के सारे स्टूडेंट ने सही सही जवाब दे के स्पिन द व्हील कर लिया, पर अभी भी यहाँ पे बहुत सारे जने बाकी है, जैसे कि नंबर टू पे ये खतरनाक सा टीवी मैन, नंबर फोर पे ये टीवी मैन, और ये खतरनाक सा बड़ा सा स्पीकर मैन नंबर फाइव पे, और नंबर एट पे ये ट्रैफिक स्पीकर मैन। अब बारी है मेरी और आपकी, हम सब साथ में घुमाएंगे ये व्हील और देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। 3, 2, 1, go। और क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, नंबर 8। तो आओ साथ में देखते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7 और ये 8। तो क्वेश्चन मुझे मिलता है ये ट्रैफिक स्पीकर मैन। तो क्वेश्चन मुझे ये ट्रैफिक स्पीकर मैन मिल चुका है, अच्छा है पर इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, मुझे ये खतरनाक सा बड़ा सा स्पीकर मैन चाहिए था। पर कोई बात नहीं, अभी हमारे पास ये तीन तीन जने और बचे हैं। तो क्वेश्चन एक काम करते हैं, ये तीनों आपको देते हैं, आप अपना फेवरेट लकी नंबर बताओ, अगर इन तीनों में से किसी का भी वो नंबर हुआ तो ये सूट में आपके घर पे भिजवा दूंगा। तो फटाफट से कमेंट में अपना लकी नंबर बता दो। और गाइस हमारी शक्तियां तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बता देना आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो लाइक कर देना चाहे तो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं लगी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाकर ज्वाइन और फॉलो कर लेना। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।